सीजन्स पार हुए, व्हाट हैव टू से अबाउट द एल्बम एंड द सक्सेस, यू नो हाउ डिड इट रियली स्टार्ट, लाइक बताइए आप. मैं शुरू करूं जी? अच्छा ठीक है. ही इज द क्रिएटर ऑफ द सॉन्ग, बट सिंस ही टोल्ड मी टू टॉक फर्स्ट, इट बेसिकली स्टार्टेड ऑफ विद अ सीड, जो एक सिंपल सी कॉन्वर्सेशन थी कि बारिश पे कोई गाना बनाते हैं, क्योंकि रेन्स इवोक रोमांस, रेन्स इवोक क्रिएटिविटी, और अच्छे गाने सुनना जैसे बारिशों में हमको अच्छा लगता है, कुछ लोग अच्छे गाने बनाते हैं बारिशों में, तो ही इज़ वन ऑफ दोज पीपल. तो वैसा ही एक थॉट था कि ऐसा कुछ कर सकते हैं क्या. तो ऑब्वियसली आई वॉज, रेनी सीजन इज़ ऑल्सो वन ऑफ दोज टाइम, वन ऑफ माई फेवरेट टाइम्स ऑफ द ईयर, तो इसलिए मैंने इमीडिएटली कहा कि बिल्कुल क्यों नहीं. तो उसके बाद स्टेज बाय स्टेज एक गाना उन्होंने बनाया, और जब मैं रिकॉर्ड करने गई तो काफ़ी चैलेंजेस का सामना मुझे करना पड़ा, बिकॉज दिस इज़ अ स्टाइल आई हैव नॉट ट्राइड पर्सनली एज अ सिंगर. सो उस वोकल कल्चर को लाने के लिए मुझे काफ़ी मेहनत करनी पड़ी, और उनके गाइडेंस के बगैर मैं नहीं कर पाती ऑनेस्टली स्पीकिंग, क्योंकि कुछ सिंगर्स के उदाहरण उन्होंने दिए, जो सिंगर्स ऐसे हैं कि वो पहले इस स्टाइल में, इस स्टाइल को बाखूबी निभा चुके हैं. सो उनका एग्जाम्पल्स जब मुझे मिला, तब मुझे आई गॉट अ लिटिल बिट ऑफ क्लैरिटी कि मुझे किस तरह से अप्रोच करना है इस चीज़ को. देन आई थिंक आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट, किस हद तक निभा पाई हूँ मुझे नहीं पता, वो ये बताएंगे, लेकिन आई इन्जॉयड माई सेल्फ रिकॉर्डिंग लेट इट रेन, और ये ऑडियो पार्ट हो गया. उसके बाद शूटिंग की जब बात आई, तब वो एक अलग ही किस्सा था, बिकॉज ही वॉन्टेड एक्चुअल रेन सीक्वेंसेज इन द सॉन्ग, इन द वीडियो, और जहाँ पे रेन मशीन के बगैर हमने शूट किया, तो उसके लिए काफ़ी ट्रिकी कुछ चीज़ें, यू नो, सोचना आसान है लेकिन एग्जीक्यूट करने जाओ तो उसमें काफ़ी मुश्किलात आती है. तो इसके लिए एक्चुअल रेन्स का इंतज़ार करना पड़ता है कि कब बारिश आएगी, और बारिश आएगी भी या नहीं, तो इट्स नॉट ऑलवेज एक्यूरेट विद द फोरकास्ट. सो लाइटिंग का भी कुछ इशू रहता है, जो बाद में पोस्ट प्रोडक्शन में फिक्स करना पड़ता है, क्योंकि कभी धूप निकल जाती है, कभी बारिश आती है, तो इस तरह से दैट डे वाज आई थिंक लाइक दैट व्हेन वी शॉट. धूप छाव का दिन था जी, धूप छाव का दिन था, और चार दिन तक हमने लगातार अलग अलग लोकेशंस में जाकर शूट किए, तो काफ़ी मेहनत किया है. एंड बट द शूटिंग पार्ट, ऑनेस्टली स्पीकिंग, आई इन्जॉयड माई सेल्फ, बिकॉज मैंने थोड़ी बहुत एक्टिंग करने की भी कोशिश की है, लेकिन देखते हैं इसके बाद जब गाना देखेंगे सब, तब पता चलेगा. बट आई एंजॉयड माई सेल्फ इन द एंटायर प्रोसेस. और अभिषेक जी, आपने जंगल को ही शूटिंग के लिए चुना क्यों? क्या आप प्रकृति से इतना कुछ ज़्यादा ही गहरा लगाव हो गया? ये गाना तो मैंने जंगलों में शूट नहीं किया, ये गाना तो मैंने बीचेस पे शूट किया, मलाबार कोस्ट पे. यस, पर हाँ, कुदरत मेरे लिए सबसे, मेरी ज़िंदगी की सबसे गहरी चीज़ है, सबसे गहरा रिश्ता मेरा कुदरत से है. और जैसे कि आपने देखा कि मैंने अपनी ज़िंदगी की सारी पूंजी जो है कुदरत को बचाने के लिए उसका इस्तेमाल किया, और एक बंजर पहाड़ी को जंगल में परिवर्तित किया. पर ये गाना जो है बारिश का गाना है, और इत्तेफाकन मेरी ज़िंदगी का जो पहला एल्बम था गुलजार साहब के साथ, वो मुझे लाए थे इंडस्ट्री में, तो गुलजार साहब के साथ जो मेरा पहला एल्बम था उसका नाम भी बारिशों पे ही था. उस एल्बम का नाम था उदास पानी, कि आसमान से टपकते हुए जो पानी है उसको गुलजार साहब उदास पानी कहते हैं. तो तभी से बारिशों का सिलसिला शुरू हुआ. उसके बाद बहुत से गाने बनाए, बहुत सी फिल्में की, लेकिन मन में एक बेताबी थी कि एक खूबसूरत सा तरह से मेरे पास धुने आती है आसमानों से. धुने कब कहाँ आ जाए उसका कोई लिखित या कोई ग्रामेटिकल रूल नहीं है. नहाते हुए, गाड़ी चलाते हुए, कभी भी धुन आ सकती है. तो कभी कभी धुने सिर्फ बेर धुने आती है जहन में, कभी कभी धुने जो है शब्दों के साथ आ जाती है. तो ऐसे में जो है लिरिक्स और कॉम्पोजिशन एक साथ टपकते आसमान से. तो इस गाने के साथ भी ऐसा ही हुआ, बारिश की बूंदों की तरह. तो गाना मुझे अलग से लिखना नहीं पड़ा, जब मैंने कंपोज़ किया उसके साथ साथ वर्ड्स आते गए, मैंने पिरो लिए उनको, फिर मैंने उसको अरेंज किया प्योरली यूजिंग ड्रम एंड बेस एंड अ लिटिल बिट ऑफ पियानो, सम म्यूटेड गिटार एंड अ वेरी स्ट्रॉन्ग सब बेस लाइन. एक इंस्ट्रूमेंट ऐसा है इसमें जिसका प्रयोग हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में कमी होता है. इसको हम ऑफ कर दे, एक सेकेंड डिस्टर्ब करेगा, मेरी ही गलती है, मैं इसको सुधार के आता हूँ. गाने के कॉम्पोजिशन और लिरिक्स के बाद अगला पड़ाव था गाने को अरेंज करना. तो क्योंकि ये एक बहुत ही ज़्यादा वेस्टर्न जैज काइंड ऑफ अ कॉम्पोजिशन है, और इसमें
ड्रम एंड बेस का प्रयोग है। तो जो साधारण वॉइस कल्चर है जिसमें अन्वेषा ने बहुत गाने गाए हैं अलग अलग फिल्मों में, उनका जिस वॉइस कल्चर के लिए जानी जाती है, इस गाने में उसको हमने तोड़ा है एंड वी हैव यूज्ड अ कम्प्लीटली डिफरेंट रेशेदार वॉइस कल्चर एंड शी इज़ नॉट सिंगिंग हाई अप देयर, शी इज़ सिंगिंग मोर इन द लो मिड्स। तो उस पर हमने काफ़ी मनन किया, उस पर हमने चिंता की और उसको हमने एग्जीक्यूट किया जो गाने के तेवर के साथ जाए। और इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन अरेंजमेंट्स में भी कुछ नायाब बातें हैं। इट्स अ वेरी मिनिमलिस्टिक सॉन्ग, इट्स बेसिकली ड्रम एंड बेस विथ अ लिटिल बिट ऑफ पियानो दैट आई हैव प्लेड एंड सम म्यूटेड गिटार्स। और एक नए इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग है जिसको कहते हैं सब बेस, एंड सब बेस इज एन इंस्ट्रूमेंट विच एक्चुअली प्लेज वन ऑक्टिव बिलो द बेस गिटार। तो जब हम गाते हैं कई बार जो मुखड़ा है गाने का उसमें सिर्फ आवाज़ और सब बेस है, उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो एक थोड़ा सा साहसी एक्सपेरिमेंट था ये गाना, और जब गाना बन गया तो उसके बाद अगला चैलेंज था कि ऐसे एक बरसात के गाने को कैसे शूट करें। और आपको पता है कि नॉर्मली इन अ नॉन फिल्म सिंगल हम रेन मशीन उस तरह का तामझाम यूज़ करके गाना बनाना बड़ा मुश्किल हो जाता है 3-4 दिनों में। तो हमने सहारा लिया फिर से कुदरत से, आसमानों से, और हमने ये चाहा कि कभी कभी आप बरस जाएं और हम आपको शूट कर लें। तो इस गाने को उस तरह से धूप छाँव में, कभी धूप कभी छाँव, अलग अलग लोकेशंस पे, खूबसूरत मालाबार कोस्ट पे, पुराने किलों में, बीचेस में हमने शूट किया, और बहुत ही मुश्किल परिस्थितियों में शूट किया, बिकॉज समटाइम इट वॉज रेनिंग, समटाइम इट वॉज क्लाउडी, समटाइम्स इट वॉज सनी, एंड देर आर अ लॉट ऑफ एक्शन शॉट्स ऑल्सो इन विच वी आर रनिंग एंड यू नो देयर इज अ मूविंग ट्रैक ट्रॉली कैमरा। एंड सो व्हाइल डायरेक्टिंग दिस वीडियो वी आई एनकाउंटर अ लॉट ऑफ चैलेंजेस, बट सबसे मुश्किल था कि बीच में लिपसिंग करते हुए जब अचानक बारिश आ गई, और बारिश का सामना करते हुए आंखें खोल के एक्सप्रेशंस देते हुए, और बहुत मूसलाधार बारिश थी, इट वाज अ लॉट ऑफ रेनफॉल, वी फेस दैट एंड वी डिड द सॉन्ग। और आप विजुअली देखेंगे तो आपको वो दूर तक बारिश होती हुई नजर आएगी इस गाने में, और वही इस गाने की खासियत बन गई है। जी जी तो हाँ, जैसे कि आपने बोला कि रोमांस पे बहुत से रेन सॉन्ग्स बने हैं, रिम झिम गिरे सावन, प्यार हुआ, इकरार हुआ। मैं ये कह रहा था कि बहुत सारे फिल्में, सीरीज़ और नॉन फिल्म एल्बम्स का म्यूज़िक मैं एक साथ कर रहा हूँ। आई एम डूइंग अ सीरीज़ कॉल्ड गर्मी विद तिग्मांशु धुलिया, एंड मेरे आने वाली फिल्मों में और सिंगल्स में अन्वेषा जी को आप काफ़ी ज़्यादा सुनेंगे, क्योंकि इन द लास्ट कपल ऑफ ईयर्स वी हैव डन सम वेरी गुड वर्क टुगेदर। मेरे साथ इनका एक बहुत अनायास वर्किंग केमिस्ट्री है, और गानों को बहुत बाखूबी निभाती है, और मुझे ज़्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ती, क्योंकि वॉइस कल्चर किस तरह से किसी गाने को निभाना है वो समझ जाती हैं। और एक बहुत खूबसूरत सा गाना हमने हाल ही में रिकॉर्ड किया है, विच इज़ अ वेरी इंडियन सॉन्ग विद अ लॉट ऑफ परकशन। गाना ये डिमांड करता है कि हम उसे किसी ओपन स्पेसेस में जाके राजस्थान, कच्छ या गुजरात में शूट करें। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम वो गाना प्रोड्यूस करके आपके सामने लाएंगे। बाकी अन्वेषा जी आपसे कहेंगे। या दीज आर सम ऑफ द वंडरफुल प्रोजेक्ट्स दैट आई एम अ पार्ट ऑफ, दीज आर आल्सो माय फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स, पार्ट ऑफ माय फोर्थकमिंग प्रोजेक्ट्स। लेकिन उससे अलावा मेरे फिल्मी गानों की अगर मैं बात करूं तो एक बहुत खूबसूरत गाना अभी चल रहा है, जो फिल्म हिंदी में चल रही है, सीतारमन, उसमें आप सुन ही रहे हैं द टाइटल सॉन्ग ऑफ दैट। बहुत खूबसूरत गाना है सीतारमन का जो टाइटल सॉन्ग है, एंड इज डूइंग वेरी वेल एंड शी हैज संग इट वेरी ब्यूटीफुली। बहुत दिनों के बाद एक फ्रेश कॉम्पोजिशन कानों में आया, आप बताइए। थैंक यू। नहीं नहीं, दैट्स वन ऑफ द प्रोजेक्ट्स आई वाज टॉकिंग अबाउट। उसके अलावा भी, क्योंकि आई एम अ मल्टीलिंगुअल आर्टिस्ट, तो मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि अलग अलग रीजन से कंपोजर्स मुझे बुलाते हैं, तो गुजराती, मराठी और साउथ के चारों लैंग्वेजेस में आने वाले दिनों में कई गाने आप मेरे सुनेंगे हिंदी के अलावा। थैंक यू। जरूर, क्यों ओ रामा, तुझे ही रब माना है जन्मो जन्म, तुझे ही मैंने पाना है, चेहरा तेरा मेरे सामने हो, मुझसे बोले मेरी ये नजर, दुनिया दिखे मुझे सारी तुझ में, तेरा होने लगा जो असर, मैं हूँ तेरी तू है मेरा, सदियों तक यही लिखा होगा ओ रामा।
जन्मो जन्म तुझे ही मैंने पाना है. थैंक यू. वेरी गुड.